उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर जनपद आगरा में भी देखने को मिला, जहां गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई लंबे समय बाद बीते दिन फिर शुरू हुई। इस दौरान दो गैंगस्टरों की लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। एक गैंगस्टर के इलाके में खौफ रहता था तो दूसरा जुए और सट्टे के लिए चर्चित था। जानकारी के मुताबिक अली शेर मूलत सैयद पाड़ा लोहा मंडी का निवासी है, जो रंगबाजी से अपराध की दुनिया में आया था, जिसके खिलाफ अब तक 22 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बीते दिन भारी पुलिस बल उसके यहां पहुंचा और गैंगस्टर एक्ट में उसकी संपत्ति कुर्क कर दी। इस दौरान पुलिस ने ढोल के साथ मुनादी भी कराई। न्यायालय पुलिस आयुक्त के आदेश संख्या 4/24 जो कि दिनांक 21 सितंबर 2024 को हुआ था, एक व्यक्ति जिसका नाम अली शेर है, पुत्र मेहराजुद्दीन सैयद पाड़ा में रहने वाला है, उसने अपने बाहुबल पे बल का प्रयोग करके बलवा करके लोगों की जमीन कब्जा के अवैध संपत्ति अर्जित की है। उसकी जो प्रॉपर्टी सेक्टर 1 दीनदयाल उपाध्याय पुरम में है, उसके कुर्की के आदेश है और यह प्रॉपर्टी कुर्क की जाती है। सुनो सुनो सुनो। वहीं अंगूठी गांव में भी एक अन्य गैंगस्टर बछड़ा की संपत्ति को भी कुर्क किया गया, जिसको लेकर लोहा मंडी एसीपी ने बताया कि बेसन बस्ती लोहा मंडी निवासी वसीमुद्दीन उर्फ बछड़ा के खिलाफ लोहा मंडी थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके तहत पुलिस ने गांव अंगूठी में बछड़ा के 83.61 वर्ग मीटर के एक प्लॉट को कुर्क किया, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 17 लाख रुपए है। एक गैंग लीडर जिसका नाम है वसीमुद्दीन उर्फ वसीम उर्फ बछड़ा, जो अवैध सट्टे का और जुए का कारोबार करता था, उसकी प्रॉपर्टी के कुर्क के आदेश हुए हैं और यह प्रॉपर्टी अंगूठी गांव जगदीशपुरा में है, जिसका टोटल एरिया 83.61 वर्ग मीटर है, यह कुर्क की जाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और आगरा पुलिस के द्वारा जो लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसी क्रम में जो माननीय पुलिस आयुक्त महोदय, उनके न्यायालय से आदेश निर्गत हुआ था। 2022 का लोहा मंडी से एक मुकदमा था, जिसका गैंग लीडर वसीमुद्दीन उर्फ बछड़ा है, जिसकी विवेचना शाहगंज के द्वारा एसएचओ के द्वारा की जा रही थी। उसी क्रम में 14 की कुर्की के आदेश हुए हैं। वसीमुद्दीन उर्फ बछड़ा गैंग लीडर है, जिसके खिलाफ कई सारे सट्टे के खाड़ी बाड़ी और जुए के मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित किया गया है, उसी से प्लॉट खरीदा गया है, जिसका जो एरिया है 83.61 वर्ग मीटर है, जिसकी अनुमानित कीमत 16,76,000 रुपये है, उसको माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश से कुर्क किया गया है और लगातार ऐसी कार्रवाइयां अपराधियों के विरुद्ध जारी रहेंगी। ऐसे में जहां एक ओर पुलिस ने दोनों गैंगस्टरों की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है, वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर की पत्नी ने इसका विरोध किया है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।